नमस्कार दोस्तों, दोस्तों कैसे हो। मेरा नाम राज है और मैं आज दोस्तों आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं आप बीती सुनाऊंगा। दोस्तों ये जो आप बीती है ये मेरे सगे चाचा थे उनके ऊपर है। तो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी और हमें काफ़ी बार वो सुनाया करते थे कि ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो दोस्तों अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट ज़रूर करें कि आप बीती आपको कैसी लगी। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं किसी को डराना नहीं है, मगर मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ तो हिमाचल में ये चीज़ें आम होती हैं। कोई भी लोग जब कोई कहानी सुनाता है तो ऐसा लगता है किसी के साथ आप बीती होती है तो कि आप बीती सुनाते भी तो ऐसा लगता है ये बनाकर बड़ा चढ़ा कर बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर बताने वाली बात नहीं है, सच्ची घटनाएं हैं। कभी भी आप हिमाचल आते हैं तो हिमाचल में कभी भी घूमने भी आते हैं तो रात को हमेशा अकेले कहीं ना जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ पर देवी देवता रहते हैं वहाँ भूत प्रेत ही बहुत रहते हैं। तो दोस्तों ये जो आप बीती है ये आज से 30 साल पहले की बात है। तो होता क्या है कि मेरे चाचा जो उनका नाम रामपाल है तो वो लेंटर डालने के लिए माता चिंतपूर्णी के मंदिर के लिए जाना होता है उनका सुबह। और क्या करते हैं वो घर में खाना खाते हैं सवेरे और खाना खाकर वो मंदिर के लिए लेंटर डालने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी दूर ही रास्ते में कोई 1 किलोमीटर चलते ही नीचे हरिजन बस्ती है जहाँ पर हरिजन लोग रहते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर चाचा देखते हैं कि वहाँ पर 5-10 लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं भाई साहब आप ना हमारी हेल्प कर दो, ये लेडीज़ जो है बीमार है और इसको हमें हॉस्पिटल पहुंचाना है। उस टाइम दोस्तों 30 साल पहले सड़कें भी नहीं होती थी ना ही गाड़ियाँ होती थी, तो लोग खाट के ऊपर से ही उसको इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाते थे जिसमें टाइम लगता था। तो होता क्या है कि चाचा भी जो लेडीज़ थी ये था कि हमारा गांव भी साथ में है, हरिजनों का भी गांव साथ में, तो ये सारे सगे संबंधी शरीक भाई होते हैं। ऐसा नहीं कि गांव में अदर कास्ट के लोग हेल्प नहीं करते, हर कोई हेल्प करता है। तो चाचा ने कहा कि चलो मैंने भी जाना है, तो उनका शरीर भी 6 फुट लंबा था और काफ़ी हट्टे कट्टे थे वो, तो 4 लोग उसको लगते हैं खाट को और लेडीज़ को उठाकर माता चिंतपूर्णी के मंदिर के साथ ही हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर उसको पहुँचा देते हैं। अब क्या होता है कि चाचा तो लेंटर डालने के लिए चले जाते हैं। अब क्या होता है कि रात के लेंटर डालते समय लेंटर जो ख़त्म होता है रात को 12 बजे ख़त्म होता है, और 12 बजे ख़त्म होने के बाद वहाँ पर उनको छोले पूरी और साथ में हलवा दिया जाता है, क्योंकि गांव में जब लोग लेंटर डालते हैं अच्छा शुभ काम करते हैं तो हलवा पूरी ज़रूर देते हैं घर के लिए, साथ में खाने के लिए भी देते हैं। तो चाचा ने लिया वो हलवा पूरी अपने परने में बांध लिया, तावल था उसमें बांध लिया और वो चले आए। तो जो आने का रास्ता था वो भी जहाँ से गए थे उसी रास्ते से आना होता था और 3 किलोमीटर का जंगल, तो चाचा चले आते हैं। तो होता क्या है कि हरिजन बस्ती के साथ ही नीचे शमशान घाट पाया जाता है जहाँ पर हरिजन भी जलाते हैं, वहाँ पर अदर कास्ट के लोग भी जलाते हैं। तो होता क्या कि चाचा देखते हैं कि शमशान घाट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लपटें आग ही जल रही हैं और आग जल रही है और साथ में कुआं था, तो कुएं में देखते हैं कि एक लेडीज़ बैठी है, बड़े बड़े बाल हैं उसके और वहाँ वो अपने सर धो रही है। रात के 12:30 बजे की बात है। तो चाचा घबरा गए क्योंकि 12:30 बजे कौन औरत होगी जो कुएं पर बाल धो रही होगी। तो गांव के लोग हैं और चाचा की उम्र भी उस टाइम कोई 35 साल थी उनकी, तो
तो चाचा समझ गए कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं है शमशान घाट के ऊपर कोई अगर औरत खड़ी है बड़े बाल खिलार कर और साथ में वो और चाचा की तरफ देखी जा रही है। चाचा जैसे निकलते हैं, अब चाचा वहाँ से ना तो वापस जा सकते हैं ना तो घर के, क्योंकि रास्ता वही है, पीछे वापस जाते हैं तो पीछे 3 किलोमीटर का जंगल है और आगे 1.5 किलोमीटर आगे उनका घर है। तो चाचा क्या करते हैं कि मन मनाते हैं कि अब जाना तो पड़ेगा, और ऊपर से डर और ऊपर से वो औरत के पास से निकलते हैं तो देखते हैं कि औरत वही औरत होती है जिसको वो हॉस्पिटल छोड़कर शेरे छोड़कर जाते हैं। और वो होता क्या है कि उस औरत वो औरत दिन में ख़त्म हो जाती है और उसको वो शाम को जला दिया जाता है। तो चाचा देखते हैं तो समझ गए कि ये तो ख़त्म हो गई है और यही औरत अब यहाँ बैठी है शमशान घाट के पास। चाचा डर जाते हैं। तो अब क्या है कि जैसे चाचा निकलते हैं तो वो औरत चाचा के पास पहुंच जाती है और चाचा का नाम तो रामपाल था। तो वो कहती है, रामपाल ये जो हलवा पूरी है ये मुझे दे दे। तो चाचा डर जाते हैं हलवा पूरी, क्योंकि उस परने में मंदिर माता के मंदिर का प्रसाद बंधा हुआ था। तो चाचा कहते हैं क्या किया जाए, अब तो कोई हल नहीं है, तो अभी इस चुड़ैल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। चाचा सबसे पहले तो माचिस और बीड़ी निकालते हैं, बीड़ी लगाते हैं, बीड़ी मुंह में लगा लेते हैं तो देखते कि वो चुड़ैल पीछे नहीं हटती है, वो चुड़ैल फिर पीछे चली आ रही होती है और कभी आगे आ जाती है कभी पीछे आ जाती है। तो चाचा कहते हैं कि उस वक्त मेरे जो हालत इतनी ख़राब थी कि पूरे कपड़े जो थे पसीने से लथपथ हो गए थे और मेरा ऐसे लग रहा था कि अभी सांस न रुक जाए, क्योंकि धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी। क्योंकि जब भूत प्रेत सामने आ जाता है तो दोस्तों धड़कन ऑटोमेटिक तेज़ हो जाती है, ऐसे लगता है कि सांस रुकने वाला है अभी, कि यह ना एकदम अभी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ऐसी मेरे साथ भी आप बीती हुई थी, तो मैं आप अपनी आप बीती भी बताऊंगा मैं। तो चाचा ने अपने कपड़े उतारे, चड्डी पहन कर रखी हुई थी और बाकी सब कुछ उतार लिया। होता क्या है कि दोस्तों अगर आपको भूत मिल जाता है, भूत प्रेत के मान लो आपको चुड़ैल मिल जाती है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आपने जब भी कपड़े उतारने तो पूरे उतारने, चड्डी को भी उतार देना है और उसको फेंक देना है, साथ में नहीं रखना। क्योंकि जब आप साथ में रखते हैं ना तो भूत प्रेत समझ जाते हैं कि आदमी है, जब आप कपड़े को फेंक देते हैं वहीं पर तो वो और उसके पीछे फिर आपने उसके नहीं आप फिर चलो वो भूत प्रेत ऑटोमेटिक वहाँ से भाग जाते हैं। कभी भी आपके साथ अगर ऐसी आप बीती होती है तो, क्योंकि ये हमारे अजमाई हुई बात है जो मैं सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं कहानी नहीं कोई, ये आप बीती है। तो चाचा क्या करते हैं उन कपड़ों को अपने कंधे के ऊपर रख लेते हैं मगर वो हलवा पूरी नहीं देते। अब वो चुड़ैल पीछे पीछे आ रही है, चड्डी पहन कर रखी होती है, तो अब बीड़ी पी रखी है, बीड़ी लगा रखी है। तो चाचा कहते हैं वो मुझे कभी बाजू से यहाँ खींचे वहाँ खींचे, और जब मेरी उसके पैरों की तरफ नज़र जाती है तो उसके पैर जो होते हैं वो उल्टे होते हैं, उठे पैर होते हैं, तो और बड़े बड़े बाल और लाल कपड़ा सा पहना होता उसने। तो चाचा थोड़ा और आगे चलते हैं, कह रहे ऐसे ही आधा एक घंटा वो चुड़ैल मेरे साथ लड़ती रही और मेरे से हलवा पूरी मांगती रही, मैंने उसको दिया नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाकर हमारे बाबा का मंदिर है, बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, और जब बाबा चाचा हमारे बाबा बालकनाथ जी के मंदिर से निकलते हैं तो मंदिर के सामने से जैसे जाते हैं तो वो चुड़ैल एकदम चिल्लाने स्टार्ट कर देती है और ऐसे चिल्लाती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारने स्टार्ट कर देती है और वो ज़ोर से कुल्क मारती है, आवाज़ चीखती है और कहती है तेरा कुछ न रहे। तो जैसे ही वो चाचा आगे पीछे देखते हैं आवाज़ आती है कि पता नहीं कितने पेड़ टूट गए कितने ये हो गए, वो सारे लोग गांव वाले उठ जाते हैं तो बाहर देखते हैं तो कौन जा रहा है, रास्ते में देखते हैं तो चाचा जा रहे होते हैं और चाचा को पूछते हैं भाई रात को इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं, तो और ये कपड़े क्यों उतार रखे। तो चाचा ने
चाचा को उन्होंने बैठाया, फिर पानी पूनी पिलाया और चाचा ने आप बीती बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं था वो औरत ख़त्म हो गई थी और मैं वहाँ से आया तो वहाँ पर वो शमशान चल रहा था और शमशान के पास बैठी हुई थी। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी थी, आप सच्ची आप बीती थी जो आज से 30 साल पहले हमारे चाचा रामपाल के साथ हुई थी। तो कभी भी आप अगर लोग अगर कहीं घूमने आते हैं पहाड़ों में तो कृपया आप रात को कहीं भी बाहर ना जाएं, क्योंकि जब तक आपको वहाँ की जगह का पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुनसान होता है, जहाँ पर देवी देवता होते हैं वहाँ भूत प्रेत बहुत जरूरी होते, भूत प्रेत भी होते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं, मगर मैं आप लोगों को आप बीती बता रहा था, मेरे साथ भी हुई, मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा। अगर आपको ये आप बीती कैसी लगी तो इसमें ज़रूर लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें कमेंट ज़रूर करें। और मेरा किसी को डराना कोई मकसद नहीं है और इसका किसी से लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं अब आऊँगा तो नई आप बीती के साथ आऊँगा। जय हिंद, जय हिमाचल।